अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फरवरी का महीना इस्लामी ममालिक के अलावा पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत और ख़ास तौर पर वैलेंटाइन जैसी खराफात के लिए मशहूर है, जिसमें हमारा पड़ोसी मुल्क भी शामिल है। लेकिन ये फरवरी का महीना इंडियन आर्मी के लिए नाकाबिले यकीन हद तक भारी पड़ रहा है और इंडियन आर्मी एक टांग पर खड़े होकर प्रार्थना कर रही है कि ए भगवान, जल्दी से ये प्यार मोहब्बत का महीना निकाल दे, क्योंकि इस बार शायद फरिश्ता अजल को भारतीय फौजियों से प्यार हो गया है और ये फरिश्ता हमारे सैनिकों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर दूसरी दुनिया में लेकर जा रहा है। इस महीने में भारत के होने वाले करोड़ों के नुकसान को जानने से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, ये महीना इंडियन आर्मी के लिए काफी भारी रहा है और इस महीने भारतीय हुकूमत और इंडियन आर्मी का करोड़ों का नुकसान हुआ है। सिर्फ फरवरी के महीने में इंडियन एयरफोर्स कामयाबी से 4 जहाज तबाह करवा चुकी है, जिनमें से एक ट्रेनर तैयारा 5 फरवरी को तबाह किया गया। इसके बाद 12 फरवरी को एक MiG-27 कामयाबी से तबाह करने का मुजाहरा किया गया और आज 2 भारतीय ट्रेनर तैयारों ने फिजा में ही एक दूसरे को चूमने की कोशिश की, जिसके नतीजे में दोनों जहाजों को प्यार हो गया और दोनों जहाज तबाह हो गए, जबकि एक पायलट हलाक हो गया। इंडियन एयरफोर्स की जानिब से आज जो तैयारे तबाह किए गए हैं वो इसलिए खास हैं क्योंकि ये तैयारे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए डेलीगेशंस के सामने तबाह किए गए हैं। इसकी तफसील बता दूं, फिर इंडियन आर्मी के नुकसान का जिक्र करूंगा। आपको बता दूं कि इंडिया में मल्टीनेशनल एरो इंडिया नुमाइश 20 फरवरी से शुरू हो रही है, यानी कल से, जिसमें अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली और दूसरे ममालिक से 165 से ज्यादा बैन अल-अक़वामी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। आज 19 तारीख है और इंडियन एयरफोर्स के तबाह होने वाले ट्रेनर एयरक्राफ्ट सूर्य किरण कल के एयर शो के लिए रिहर्सल कर रहे थे। रिहर्सल के दौरान एक मूव परफॉर्म करते हुए उन्होंने फैसला किया कि फिजा से फिजा में एक दूसरे को चूमने का मुजाहरा किया जाए, जिसके नतीजे में दोनों जहाज एक दूसरे के सामने आ गए और एक दूसरे को चूमने की कोशिश करने लगे, जिसके नतीजे में दोनों प्रेमी जहाज इस दुनिया से रुखसत हो गए और फरिश्ता अजल एक पायलट को अपने साथ परलोक सुधार गया। मुझे आज समझ में आया है कि हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पीछे ये क्यों लिखा होता है कि फासला रखें नहीं तो प्यार हो जाएगा। तो ये इंडियन एयरफोर्स के वो कारनामे हैं जो पूरी दुनिया में सुनहरे अल्फाज में लिखे जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ फरवरी के महीने में ही इंडियन आर्मी के कम से कम 60 से ज्यादा फौजियों को भी फरिश्ता अजल अपने साथ लेकर जा चुका है। आज के वाकये से इंडिया की जो बेइज्जती हुई है वो काबिले दीद है, यानी अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया भर से लोग इस एयर शो की रिहर्सल के मौके पर मौजूद हैं और तभी तबाह होने वाले दोनों जहाज आपस में प्रेम करते करते परलोक सुधार गए। और इन तमाम वाकयात से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का जो मोरल डाउन हुआ है, इसका अंदाजा सिर्फ वो लोग लगा सकते हैं जो बॉर्डर पर तैनात हैं। और इत्तलात हैं कि हमले में बच जाने वाले बहुत सारे फौजी नफसियाती मरीज बन चुके हैं और रात में ठीक से सो भी नहीं पा रहे, यानी हद हो गई है कि एक तरफ तो भारतीय जनता और भारतीय नेता दिन रात चीख रहे हैं बदला लेंगे बदला लेंगे बदला लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स अपने विमानों को तबाह करके दिखाई जा रही है कि मैंने नहीं लड़ना। तो अब तक के लिए इतना था। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।